अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। बीजेपी नेता सचिन सिरोही आज डीएम कार्यालय पहुंचे। सचिन सिरोही श्रद्धा हत्याकांड को लेकर अपने समर्थकों के साथ मेरठ कमिश्नरी पहुंचे और आफताब के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सचिन सिरोही ने डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। सचिन सिरोही ने कहा, यह हिंदू समाज के लिए बहुत ही निंदनीय घटना है। बता दें, श्रद्धा आफताब के साथ 2 साल से लिविंग में रह रही थी। इस दौरान आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। इसी से गुस्साई सचिन सिरोही आज डीएम कार्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी से लव जिहाद और धर्मांतरण खत्म करने की अपील की। इस घटना के बाद सचिन सिरोही के अंदर धर्म को लेकर सांप्रदायिकता भी दिखाई दी। उन्होंने अपने बयान में सारी बातें धर्म सांप्रदायिकता से जुड़ी बोली। सचिन सिरोही ने मेरठ कमिश्नरी पर अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया और साथ ही आफताब को फांसी दो, आफताब मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आफताब का पुतला फूंका। देखिए सचिन सिरोही ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा। आवाज संगठन है, उसका अध्यक्ष हूँ। आज ये जो श्रद्धा हत्याकांड हुआ दिल्ली में, इतनी निंदनीय घटना है हमारे हिंदू समाज के लिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को हम ज्ञापन लेने देने आए हैं डीएम द्वारा प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि देश का सर्वोत्तम पद जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का है। और मोदी जी पूरे देश भर में ये लव जिहाद का खिलवाड़ इतना भयंकर रूप ले रहा है, लव जिहाद और धर्मांतरण का जो रूप ले रहा है, हिंदू समाज के साथ इतना खिलवाड़ वो किया जा रहा है। मोदी जी जिस ज्ञापन को हम देने आए हैं तो उसका केवल एक मतलब है कि समाज के ऊपर जो ये हमले हो रहे हैं लव जिहाद के, जो एक श्रद्धा जो लड़की थी उसको इस विधर्मीय ने, आफताब ने जिस तरीके से लव जिहाद के जाल में फंसाया, 3 साल लिविंग रिलेशनशिप में रखा, उसका परिवार से दूर रही वो लड़की, और उसके अंदर उसके जो 35 टुकड़े, वो एक जो है होटल में जॉब करता था और होटल में जॉब करके जो उसने, मैं बताऊं, मटन के जो पीसेस करे हैं उसने, क्या ये मटन के पीसेस थे जो हमारी हिंदू लड़की को जो है उसने मटन की तरीके से काट के फ्रीजर में दाब कर टुकड़ों में फेंका है? ये पूरा समाज बिका है। ये इसमें सुप्रीम कोर्ट, जितनी भी हमारी यहाँ की अदालतें हैं उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बार इतना बड़ा विषय है ये, इसके अंदर या तो 15 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और इसको फांसी की सजा हो, या 15 दिन के अंदर अंदर आप हमें दे दो, समाज खुद अपना बदला ले लेगा। आप एक बार आफताब को दे दो, हम बता देंगे समाज में कितनी ताकत है और बहन बेटियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, बिल्कुल ये नंगनाज बिल्कुल बंद होगा, हर हालत में बंद होगा। केवल इसलिए ज्ञापन, अगला एक्शन 15 दिन के अंदर, अगर इसके अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित नहीं हुई तो उसके बाद हिंदू समाज बड़ा आंदोलन भी कर सकता है श्रद्धा को लेकर, क्योंकि खाली एक श्रद्धा का सवाल नहीं है, 1 करोड़ श्रद्धा, 2 करोड़ श्रद्धा, पता नहीं कितनी श्रद्धा जमीन के नीचे। मेरठ में भी यहाँ बूटबाल में कांड हुआ था, जमीन के नीचे दफना दी गई थी, 4 फुट गड्ढे में मिली थी हमारी प्रिया, उसकी 10-11 साल की बेटी थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, विषय देश भर का है, अंतर्राष्ट्रीय है, 100 करोड़ हिंदुओं का विषय है, विदेशों में जो हिंदू रहने उनका विषय है, पूरे हिंदू समाज का विषय है, और ये मेरठ की जो क्रांति धारा है 1857 से आज 2022 से शुरू हो जाएगी ये क्रांति, ध्यान रखना, ये समाज जो है बहुत आकर्षित है। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।